आजम खान की रिहाई के लिए सपा कार्यकर्ता ब्रज घाट से गंगा जल लेने पहुंचे। रामपुर के शिव मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। मुंडा पांडे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के रिहाई के लिए ब्रज घाट से गंगा जल लेकर दलपतपुर पराग फैक्ट्री पहुंचे। सपा कार्यकर्ता अर्जुन सिंह और दिनेश यादव ने बोलते हुए कहा कि समाजवादी सपा परिवार रामपुर से साइकिल चलाकर ब्रज घाट से गंगा जल लाकर रामपुर थाना क्षेत्र के अगापुर शिव मंदिर पर जल चढ़ाकर ईश्वर और साथ ही प्रदेश सरकार से मांग करते हुए रामपुर से लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रदेश सरकार से रिहा करें। ईश्वर इनकी बुद्धि में थोड़ी सी मानवता की हया में रखते हुए एक निर्दोष बीमार व्यक्ति को लगभग 1.5 साल अपनी सरकार अहंकार से जिस तरह दोनों बाप बेटों पर जुल्म ढा रहे हैं, इनको समाप्त कर मानवता का परिचय दे। राजनीतिक आहोश में किसी की जिंदगी से प्रदेश सरकार न खेले। साइकिल यात्रा में अर्जुन सिंह यादव, दिनेश यादव, उदय प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, ललित यादव, अजय यादव, संजय यादव, अरविंद यादव, ब्रजेश यादव, दिनेश यादव, मलखान सिंह यादव, बबलू यादव, रोहित यादव, पप्पू यादव, टिंकू सिंह आदि मौजूद रहे। आपका जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह यादव है। जी आज आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम रामपुर से सापा यादव परिवार की तरफ से, पूरे यादव परिवार की तरफ से ब्रज घाट से जल लेके और रामपुर ग्राम आगापुर शिव मंदिर पे जल अभिषेक करना है और आजम खान साहब की रिहाई को लेकर हमने ये प्रार्थना की थी। उसके लिए हम साइकिल से जल लेके ब्रज घाट से और रामपुर ग्राम आगापुर शिव मंदिर पे उसे अभिषेक करेंगे कल। कितने लोग थे इस यात्रा में? 20 से 25 लोग हैं हम लोगों जो साइकिल चला के यहाँ से ब्रज घाट से रामपुर तक ये क्या कहते हैं साइकिल यात्रा में शामिल हैं। मेरा नाम दिनेश यादव है, आगापुर का निवासी हूँ। अच्छा, आप जो ये जल लेकर आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम ब्रज घाट से साइकिल यात्रा सैफ्टी के माध्यम से साइकिल यात्रा निकाली हमने, जिस तरह जल लेकर आ रहे हैं हम। और कल हमारा जल का जल अभिषेक है और कल हम अपने मंदिर पर आगापुर मंदिर पर जल अभिषेक करेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ हमारे माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द रिहा हो जाएँ और हमारे बीच आएँ, हमें आदेश दें ताकि हम नए से नए कार्य कर सकें और अपने कार्यों को से जनता को प्रभावित करके हम अपनी सरकार बना सकें। अच्छा, कितने दिनों से आजम खान जेल में बंद है? लमसम 1.5 साल होने वाला है अब। क्या ऐसी वजह है जो उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही है? झूठे मुकदमे हैं, लगातार झूठे मुकदमों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और जैसे कि हम देख ही रहे हैं बीजेपी तो वो कर रही है, जो थोड़ा सा किसी ने मुँह बोला, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, उसे ही उस पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने तो बहुत काम किए हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे काम किए, पूरा इतना विकास किया है, शायद मैं मानता हूँ किसी भी और ज़िले में इतना विकास नहीं है जितना हमारे माननीय मंत्री जी ने विकास करा है। लगभग कितने मुकदमे लगाए गए हैं भाजपा सरकार द्वारा? 100 मुकदमे थे, अब कुछ मुकदमों में, ज़्यादातर मुकदमों में अब जमानत मिल गई है, बस 1-2 मुकदमे हैं। बहुत से बहुत जल्दी ये अगले महीने माननीय मंत्री जी हमारे बीच होंगे।